क्वेश्चन है मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने या मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, तो इसका आंसर है, जब बात आती है मानसिक रूप से मजबूत की तो इसमें बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। अधिकार लोग शारीरिक रूप से मजबूत तो होते हैं लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। मानसिक रूप से कमजोर इंसान कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है, उसे डर भी ज्यादा लगता है, उसको कोई भी बुद्धू बना सकता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर इंसान को भी परेशानी होती है। जब बात आती है मानसिक रूप से मजबूत की तो इसमें बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। अधिकार लोग शारीरिक रूप से मजबूत तो होते हैं लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। मानसिक रूप से कमजोर इंसान कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है। हम आपको बता दें कि कोई भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है, बस उसे कुछ समय खुद को देना होगा। नंबर वन, अपने दिमाग के बारे में जानें। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग को समझें। आप अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझें। आपका दिमाग कब और क्या करने पर खुशी देता है और कब आपका दिमाग उब जाता है। आप दिमाग के काम करने की जानकारी को बढ़ाए, उसके बाद उसमें समय समय पर बदलाव करते रहे। जैसे अगर आपको गाने सुनते समय मजा आता है पर आपको पढ़ते समय मजा नहीं आता है, तो आप पढ़ाई को गाने की तरह करें। एक रिसर्च के अनुसार गाने सुनने में मजा इसलिए आता है क्योंकि हम गाने के अलगे भाग का कल्पना करते हैं। नंबर टू, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपनी फीलिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ी से बात में वह खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी बात में ही नाराज या गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा होने मेंटली स्ट्रांग न होने की पहचाना होती है। नंबर थ्री, अपनी सोच को कंट्रोल करें। आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखें। आप अपने फीलिंग के अनुसार न रहे बल्कि आपकी फीलिंग आपके अनुसार होनी चाहिए। जैसे हम ज्यादा मोबाइल चलना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हमारी फीलिंग हमसे मोबाइल ज्यादा समय तक चलवाती रहती है। फीलिंग के साथ ही अपनी सोच को अपने कंट्रोल में करना भी जरूरी होता है। जो इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है वह इंसान मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे जब आप कोई काम करते हैं और आपके काम करते समय आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं तो आपको उसे कंट्रोल और खत्म करना चाहिए, तभी आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।